IBW done and dusted with a faulty stator in this motorcycle and an adventure lying ahead. We are saying bye bye to Goa. Abhi, my biggest fear is this bike turning off and not turning on in middle of the highway or some deserted place where I cannot recover this. क्या बढ़िया जगह है यार, क्या सही सही घर बने हैं, खूबसूरत खूबसूरत घर बने हैं. एवरी हाउस हैज दैट स्लोपी स्लोपी रूफ. आई एम नॉट गोना स्टॉप इन बिटवीन अगर आज मुझसे खींचा, क्योंकि ये दिखा रहा है 1230 किलोमीटर एंड 1230 इज नॉट टू मच. सो अगर खींचा तो मैं सीधा भोपाल ही लगा दूंगा आज. बहुत ही ज़बरदस्त चाय पी रहा हूँ मैं एंड दिस इज यार कीटाणु. अभी तो हो रही है क्रैंक. वी हैव अनदर 1000 किलोमीटर्स टू गो. आई हैव डन अराउंड 150 एंड आई थिंक आज मैं भोपाल लगा दूंगा बिकॉज आई हैव सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट आई हैव टू डू. रास्ता बहुत बढ़िया है, रोड भी बहुत बढ़िया है. लेट्स सी. माई मेन प्रॉब्लम इज आफ्टर धूले आई गेस द रोड इज अ बिट बैड. Well, let's see how it goes. अभी तो नींद नहीं आ रही है. बढ़िया बाइक चल रही है, देखते हैं कब तक. मेन हाईवे हमने छोड़ दिया है, हम आ गए एक छोटे से स्टेट रूट पे एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रूट इट इज. आई नो कि थोड़ा स्लो है पर मज़ा ज़्यादा आ रही है. अब अगर पूरी रोड ऐसी है तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी हलाकान होने वाली है. व्हाट एन अमेजिंग रूट, बहुत खूबसूरत है. Alright, so another 1000 kilometers to go. I'm pretty slow. I don't think आज भोपाल हो पाएगा, बट फिर भी करके देखते हैं. But the place is very beautiful. I really need someone to tell me. हम आ गए कराड. यहाँ से पुणे is 163, but I'm not going to पुणे. मैं आउटसाइड से लूँगा. Another 8.95 liters in the tank. Now Pune ko Tata bye bye kehne ka waqt aa chuka hai. 775 kilometers. It is showing 14 hours. Aur abhi baj rahe hain 2. 9 aur 2 hota hai 11. Matlab ke 12 baje tak I'll be home. Ek time ke baad aap map dekhna band kar dete ho. Aapko bas dikhai deti hai manzil apni. To mujhe abhi filhal apni manzil dikhai de rahi hai. अभी फ़ोन आया था दैट वर्क इज़ सो अर्जेंट दैट आई कैनॉट इवन स्टॉप इन बिटवीन. ऑल्सो द लाइट का क्लैम्प इज गॉन. वी हैव अनदर प्रॉब्लम ऑन बोर्ड. अब आ रहा है घाट. मेरा फेवरेट सेक्शन इस पूरी रोड का. आई एम वेरी हैप्पी डियर कीटाणु, यू आर वन ऑसम मोटरसाइकिल. आई एम वेरी हैप्पी कि किसी राइड में 50,000 किलोमीटर हो रहे हैं यार. क्या बात है, क्या बात है कीटाणु, क्या बात है. वेरी गुड. See this boy is 4999. I want to see that 50,000 kilometers on board. 50,000 kilometers on Kitano. Yay! Yes. Some explanation. 99% time. मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूँ. 99% time. Google का analytics बिल्कुल सही होता है. These smaller roads are way faster than the highways because distance overall कम है. भले ही आपकी स्पीड कम मेंटेन हो पर डिस्टेंस इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि आप वो कंपेंसेट कर लेते हैं ईजिली. प्लस इट्स वेरी सूदिंग टू राइड ऑन दीज रोड, इट्स नॉट बोरिंग. सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है, बट एक रिस्क भी है कि यहाँ पर लोग बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं बीच में, वो आपको ध्यान रखना होता है. बाकी इफ़ यू आर हैविंग एन ऑप्शन टू राइड ऑन द बैक रोड्स और यू आर हैविंग एन ऑप्शन टू राइड ऑन द हाईवे, ऑलवेज चूज द बैक रोड्स, क्योंकि इनसे अच्छा इंडिया आपको कहीं नहीं दिखेगा. इनसे अच्छा जर्नी का मज़ा आपको कहीं नहीं आएगा. अभी बचे हुए हैं 617 किलोमीटर और मैं बिल्कुल रिफ्रेश हूँ. मुझे बिल्कुल लग रहा है कि 500 किलोमीटर खींचना 6-7 घंटे में कोई बड़ी बात नहीं है. अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं. तो मेरे हिसाब से 12 बजे तक मैं भोपाल कायदे से पहुँच जाऊँगा अगर सब बढ़िया रहा. किलोमीटर.
भाई साहब एक फोटो खींच देंगे। थैंक यू। अरे वाह, अरे वाह, हम भी फोटो लेंगे। Review of the Peak Design mobile holder. Right now I'm going through a very rough patch and my phone is mounted on the same Peak Design mount. I'm going pretty fast on these pothole roads. It's not going anywhere because it's securely locked. That kind of trust I have in this quality mount from Peak Design. Similarly with RAM, I have been using RAM for a while and Peak Design for a while. Bike has shut down and not starting. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, आई एम इन मिडल ऑफ द विलेज। यहाँ पे ना कुछ रुकने के लिए है, ना कुछ रहने के लिए है। ठीक है, अंगूर लगे हैं। मैंने इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल चला ली है कि मुझे नहीं पता मैंने कितनी चला दिया। अराउंड 800 या 900 किलोमीटर चला ली होगी और अभी 300 और बचा है, 400 बचा है। क्यों? रात को तो मैं बड़ा ज्ञान देता हूँ कि रात को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है भोपाल में, मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मिस नहीं कर सकता। मिस किया तो बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाएंगे। मैंने ग्लव छोटे वाले पहन लिए हैं क्योंकि वो जो बड़े वाले ग्लव हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर रहे थे एक छाले पे। आई नो दीज आर नॉट द सेफेस्ट ग्लव्स, यू शुड नॉट वेयर वाइल यू आर ऑन द रोड्स, बट वो मेरे लिए अभी इतना ज़्यादा अनसेफ हो रहा है क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरे हाथ पे था व्हाइल आई वाज राइडिंग। काम करते करते स्लीप शेड्यूल ऐसा हो गया है कि नींद लगभग 12, 12:30, 1 के आसपास आती है। तो दिस टाइम आई एम यूजुअली मोस्ट एक्टिव। दिस इज़ न्यू एरर दैट इज़ पॉपिंग अप, वो जाके सब फिक्स करना पड़ेगा। तो इस टाइम मैं यूजुअली रिकॉर्ड वगैरह करता हूँ, तो अभी मेरा पूरा अटेंशन स्पान रोड पे है, पूरा का पूरा बिट बाई बिट अटेंशन इज़ ऑन रोड। Finally, after 16 hours of riding, 18 hours of riding, Bhopal, Goa to Bhopal, done and dusted. Don't do this. It is an emergency. That's why I'm doing it.